सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा द ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि थ्री टाइप की जर्म्स लेयर हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि जो ब्लास्टुला है, सम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्लास्टुला है वो टू जर्म लेयर्स होता है, जिसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और कईयों में थ्री जर्म लेयर ब्लास्टुला होता है जिसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सो ब्लास्टुला ऑफ द ह्यूमन, जो ह्यूमन का ब्लास्टुला है वो थ्री जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, क्योंकि उसमें एक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन चलती है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो होती है उनका जो ब्लास्टुला है या हम कहें एम्ब्रियो, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब उसमें जो ऑर्गन्स हैं वो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनते हैं। आपको ध्यान होगा जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास फॉर्मेशन थी जिसमें एम्ब्रियोनल नोब बनती है, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट के बिल्कुल एक कॉर्नर पे क्या होता है कि एक सेल मास इकट्ठा हो जाता है। वो सेल मास जो है डिफरेंशिएट हो जाता है थ्री जर्म लेयर में आफ्टर सम टाइम। और वो जो थ्री जर्म लेयर्स होती हैं वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। अब जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म और मेसोडर्म है, ये बेटा हमारे पास जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, जो डेवलपिंग फिटस है, उनके ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़े हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, हेयर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसकी फर्स्ट लाइन, दिस एंडोडर्मल इन ओरिजिन, लाइक मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आप लोगों ने ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, हार्ट के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि ह्यूमन हार्ट जो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो वहाँ तो हमें कन्फ्यूजन होती थी कि पता नहीं क्या है ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब है कि जो ब्लास्टुला की थ्री लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीनों लेयर्स ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। सो दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज इन अडल्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड और टू गिव राइज टिश्यू एंड द ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स को जनरली यूज आजकल किया जा रहा है, जैसे कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनके लिए स्टेम सेल थेरेपी काम करती है, क्योंकि स्टेम सेल के अंदर एक तुम कहते हैं कि टोटिपोटेंसी होती है। टोटिपोटेंसी मतलब टू डिवाइड इन द नंबर ऑफ सेल्स, तो मतलब ये वो सेल्स होती हैं जो टिश्यूज और ऑर्गन में डेवलप होती हैं। नाउ ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है बेटे, उसमें थ्री ट्राइमेस्टर्स होते हैं। मतलब ह्यूमन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी होती है वो हम मानते हैं लगभग 9 से 10 महीने की। उन 9 से 10 महीनों के अंदर जो प्रेगनेंसी है वो थ्री ट्राइमेस्टर्स में बटी होती है, जैसे फर्स्ट 3 मंथ, देन नेक्स्ट 3 मंथ, देन द लास्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और जैसे जैसे आपके सामने थ्योरी सामने लिखी हुई है कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट फोर जो फर्स्ट मंथ होता है बेबी का, मतलब 4 सप्ताह के अंदर बच्चे के अंदर हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जैसे ही दूसरा मंथ खत्म होता है, बच्चे के लिम्स मतलब हाथ पैर आ जाते हैं, एंड द डिजिट्स। अब ये डिजिट्स क्या होते हैं, ये जो फिंगर्स के ऊपर ये लाइन्स हैं इनको हम डिजिट्स बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि लिम्स की फॉर्मेशन, फिंगर्स की फॉर्मेशन हाथों और पैरों में हो जाती है। By the end of 12th months, major organs and external genital organs are well developed. By the end of 12 month नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा mistake है शायद, ठीक है। Major organs and external genitalia organ are well developed. The first movement of fetus is observed in 5 month. By the end of 24 week, body is covered with the fine hairs, eyelids and eyelashes are formed. At the end of 9 month, fetus is fully developed. अब जो ये 5 मंथ है, ये भी वेरिएशन वेरी करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये भी वेरी करता है। कई ह्यूमंस में हम इसको थर्ड मंथ से या 4 मंथ से भी हम मान सकते हैं मूवमेंट की। 4 मंथ से हम कह सकते हैं कि 5 मंथ बिल्कुल एक रिलायबल नहीं हम कह सकते, 4 मंथ से स्टार्ट हो जाती है जो बच्चे के अंदर मूवमेंट है। और फॉर्मेशन जो आईलिड्स की है, आईलैशेस की है, ये भी आफ्टर 5 मंथ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ फिटनेस इज फुली डेवलप्ड। द नेक्स्ट इज पार्टुरेशन। सो व्हाट इज पार्टुरेशन, पार्टुरेशन क्या है, एज देयर नेम इंडिकेट पार्टुरेशन, अपनी बॉडी से किसी पार्ट को अलग करना, दिस इज द पार्टुरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फेटस इज कॉल्ड द पार्टुरेशन। और ये होता किस वजह से, इसमें आपने इंपॉर्टेंट एक ही बात याद रखनी है, दैट इज फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है बेटा, ये एक बच्चा ही है,
जो बेबी है डेवलपिंग जो फिटस होता है वो ही एक सिग्नल सेंड करता है टुवर्ड्स देयर मदर पिट्यूटरी, मदर के पिट्यूटरी को एक सिग्नल जाता है फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की फॉर्म में जो प्लेसेंटा जनरेट करता है, मतलब एक हार्मोन की फॉर्मेशन में फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जाता है और ये रिफ्लेक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी को मिलता है और पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। अभी जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है ये हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि जो यूट्रस होता है वो मसल्स का बना होता है, तो मसल्स की नेचर होती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन करता कौन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद रखना है, आप लोगों ने ऑक्सीटोसिन का देखा होगा कि जनरली आपने देखा है कि कई बार जो एनिमल्स होते हैं ना कि मिल्क नहीं देते, जैसे दूध लैक्टेशन नहीं दूध नहीं देते, तो उस केस में गांव में लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं, कांच की शीशी में एक इंजेक्शन आता है गाय या भैंस को लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जो इंजेक्शन होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से जो एनिमल होता है वो मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है ये लैक्टेशन में भी फीमेल की हेल्प करता है, और सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाला जो मिल्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन। और इसमें प्रेजेंट होती हैं बहुत टाइप की एंटीबॉडीज़ जो बच्चे को, जो डेवलपिंग फिटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं टू द फॉरेन इन्फेक्शंस। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पार्टिलेशन एज वेल एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हमने इस चैप्टर में बेटा अपना जो है कंप्लीट, जो एक कंप्लीट बेबी की जो फॉर्मेशन है, कंप्लीट फिटस की जो फॉर्मेशन है वो देखी है, और आप लोग जो है इसमें अच्छे से जो पढ़ोगे वो ऑर्गेनोजेनेसिस है कि किस मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलप हो जाता है। बाकी आप लोगों को एनसीईआरटी में जो भी हमारे पास ब्लैक वर्ड्स आए हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट।